नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं, मौसम साफ नज़र आ रहा। पिछले दो तीन दिनों से सोलन का कुछ इस तरह का ही मौसम इस वक्त चला हुआ है। यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में पिछले कल मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन वहां पर भी कल हल्की ही बारिश देखने को मिली है। तो इस तरह से प्रदेश में मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ा है और मौसम विभाग की माने तो आज से और 24 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में मानसून कमज़ोर पड़ेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, लेकिन मूसलाधार या बारिश होने की संभावनाएँ थोड़ी अब कम नज़र आ रही है और तीन दिनों तक मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऐसा नहीं है कि इस दौरान बारिश नहीं होगी, उसको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से 4-5 जिले बताए गए हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन यदि हम अगस्त के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में थोड़ा मानसून सक्रिय रहा, लेकिन सामान्य या सामान्य से थोड़ी सी अधिक बारिश ही इस दौरान भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। जुलाई के महीने में सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई थी और जून के महीने में भी कुछ इसी तरह का हाल रहा था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में जो जुलाई के महीने में सूखे की स्थिति बनी हुई थी तो अगस्त के महीने में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उतनी ज़्यादा बारिश इस बार देखने को नहीं मिली जितनी प्रदेश में होती थी। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ एक जगहों पर सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश हुई है और कुछ एक स्थानों पर बादल फटने की घटनाएँ होने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने की घटनाएँ अगस्त के महीने में जरूर हुई और उससे जानमाल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन बारिश के मामले में प्रदेश में कुछ स्थिति थोड़ी डिफरेंट ही नज़र आ रही है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के तापमान में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यदि हम तापमान की ही बात कर लें तो प्रदेश के कई स्थानों पर तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। शिमला में गर्मियों के दिनों में भी तापमान कुछ इसी तरह का बना हुआ था, 24.8 है। हालांकि शिमला में बारिश का दौर चला रहता है। सुंदरनगर में 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। भुंतर में 33 है, कल्पा में 25 है, धर्मशाला में 29 है। धर्मशाला में पूरी गर्मी में 29, 30 और 31 के बीच में ही तापमान बना रहा और यही स्थिति अब जुलाई के महीने में भी अगस्त के महीने में भी बन गई है जब मानसून का सीजन है। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी बारिश होने पर ठंड हो जाती है, लेकिन जिस तरह का मौसम है तो उसके मुताबिक अब पहाड़ भी अब थोड़े थोड़े गर्म होने शुरू हो गए। ऊना में 35 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 27.7 है, सोलन का तापमान भी अब करीब 30 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है, 29.9 है, क्योंकि पिछले दो तीन दिनों से सोलन में मौसम साफ बना हुआ है। बीच में बादल जरूर आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मनाली में 25.5 है, कांगड़ा में 32.3 है, मंडी में 31.8 है, बिलासपुर में 24.7 है, हमीरपुर में 32.9 है, चंबा में 32.8 है और कुफरी में 19.8 है, नारकंडा में 18.2 है, रिकांगपियो में 29.1 है, सेवबाग में 31.1 है, धौलाकुआं में 31.3 है, बठी में 32.3 है, समदो में 28 है, कसौली में 22.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ, नेहरी में 35.7 है, सैंज में 29.4 है और बजौरा में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इसे यह तापमान की स्थिति है कि प्रदेश में कई शहरों में बीबीएन का भी 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 36-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में क्योंकि पिछले दो तीन दिनों से मानसून थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन अब मानसून तीन दिनों तक और कमज़ोर पड़ेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 25 से एक बार फिर बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू होने की संभावना और पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है।
हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया गया था, मगर इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। यह चेतावनी बिलासपुर, चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर जिलों के निचले इलाकों में दी गई थी, लेकिन उस तरह का मौसम नहीं रहा। लेकिन अब आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश में मानसून कमज़ोर पड़ेगा। और हालांकि कल मैं यानी आज कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू और मंडी, ये करीब 6 जिले हैं जहां पर कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा इन 3 दिनों में बताई गई है कि 6 जिलों में 3 दिनों तक मानसून और कमज़ोर पड़ेगा। जैसा अभी कमज़ोर था तो और कमज़ोर मानसून पड़ेगा और 6 जिलों में को लेकर मौसम विभाग की ओर से हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह का पूर्वानुमान लगाया है। 23 और 24 अगस्त को प्रदेश के ज़्यादातर भागों में धूप खिलेगी, यानी कल और परसों ज़्यादातर भागों में धूप खिलेगी, और 25 से 28 तक अगस्त तक फिर से मानसून एक्टिव होगा। इससे पहाड़ों पर अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है और इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में 21% कम बारिश इस बार देखने को मिली है। प्रदेश में मानसून सीजन सामान्य से 21% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। यही वजह है कि सामान्य से जब कम बारिश हुई है तो प्रदेश में जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनमें या तो जलस्तर में इस बार बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। बारिश होती है तो उस दौरान जरूर नदी नाले उफान पर होते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो प्राकृतिक जल स्रोतों में भी इतना ज़्यादा पानी देखने को नहीं मिला। बरसात के दिनों में नए प्राकृतिक जल स्रोत फूटते थे तो उस तरह का भी इस बार नहीं रहा, क्योंकि सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस दौरान देखने को मिली है। 1 जून से लेकर और 21 अगस्त तक प्रदेश में करीब 543.6 मिलीलीटर बारिश सामान्य होती है, लेकिन अभी तक 428.6 मिलीलीटर बारिश हुई है। शिमला और कांगड़ा को छोड़कर अन्य सभी जिलों में नॉर्मल से कम बादल बरसे हैं। अगस्त में 8% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है और बरसात में अभी तक 131 मकान जमींदोज हो चुके हैं। बारिश जहां पर हुई है वहां पर अत्यधिक हुई है, बादल फटने की घटनाएं भी हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसी का ही परिणाम है कि 131 मकान अभी तक जमींदोज हो चुके हैं। मकानों को बड़ा नुकसान इस बार भी बरसातों में देखने को मिला है और यह काफ़ी चिंता की बात भी है कि हर वर्ष बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और इस बार तो बारिश सामान्य से कम ही प्रदेश में देखने को मिली है। और कांगड़ा में 1 जून से लेकर और 21 जून के बीच में सामान्य से करीब 1% अधिक बारिश हुई, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं है लेकिन 1% बारिश अधिक हुई है। और शिमला में सामान्य से करीब 3% बारिश 1 जून से लेकर और 21 अगस्त के बीच में देखने को मिली है। प्रदेश में सोलन और ऊना 2 जिले ऐसे हैं जहां पर काफ़ी कम बारिश हुई है। ऊना में बड़े जिलों की बात कर रहे हैं, हालांकि लाहौल स्पीति में सामान्य से 73% कम बारिश हुई है और किन्नौर में सामान्य से 45% कम बारिश हुई है और सोलन में सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। ऊना में सामान्य से 31% कम बारिश हुई है और चंबा में सामान्य से 33% कम बारिश इस बार देखने को मिली है। धर्मेंद्र कुमार यादव जी हमारे साथ है, प्रणाम, और बिहार से जुड़े हैं उनका स्वागत है। कमल जी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और एलिसा बीटे ब्रिटो जी बड़े समय बाद हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। हर्ष राज जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी और नूतन ठाकुर जी जुड़े हैं, लाभ सिंह ठाकुर जी हैं, राजीव शर्मा जी हमारे साथ चिंतपूर्णी से जुड़े हैं उनका स्वागत है, कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, रोशन लाल निक्कू जी जुड़े हैं, मनमोहन सिंह जी है और योगेंद्र सारस्वत जी बता रहे हैं अब बारिश कब होगी। 25 के बाद बारिश का वैसे मौसम चलेगा, हालांकि कुछ जगहों में मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कुछ जिले 6 जिलों में 2-3 दिनों तक के दौरान हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अब मानसून हिमाचल प्रदेश में और कमज़ोर पड़ गया है। गुड मॉर्निंग जी, और जिला सिरमौर के धगेड़ा गाँव से हमारे साथ जुड़े हैं राजीव
जगमोहन चौहान जी, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और पवन वजीर जी जुड़े हैं सीताराम जी, और रेणु कुरियन जी बड़ोग से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ रहेगा, अभी तक बारिश नहीं हुई है। सभी दर्शकों को उनकी ओर से राधे राधे जी। हैरी राणा जी, और बारिश अब चूक गई है ऐसा हैरी राणा जी का मानना। मंडी के सिराज में ठाकुराशु जी बता रहे हैं मौसम साफ है। राज इंजीनियर देशराज जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से हैं। अंकित राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और देवी सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। दर्शकों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें। रिंकू प्रधान जी है, और नैना देवी जी से हमारे साथ रामपाल जी जुड़े हैं। दो दिनों में मौसम साफ है, और रोडू में कब होगी बारिश? एप्पल रोडू में बारिश का अभी तो 3 दिनों तक, वैसे दीपक जी मानसून की तरफ से, तो मौसम विभाग की ओर से तो बताया गया कि मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया है। और आप देख ही रहेंगे पिछले 2-3 दिनों से बारिश वैसे भी कम हो रही है। 25 के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा। अब एक तो नहीं कहा जा सकता कि रोड में बारिश होगी या नहीं, क्योंकि इस दौरान शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और कुछ एक दो ज़िले और हैं जहां पर इस दौरान हल्की हल्की बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त मौसम विभाग की ओर से की गई है। लेकिन एप्पल निकालने का समय है और इसमें देरी भी नहीं होनी चाहिए। आजकल मंडियों में रेट भी बढ़िया मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर निकालें। चरणदास वर्मा जी और राहुल जिस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। लाल दास जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से हमने आपको बताया कि अब मानसून हिमाचल प्रदेश में थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से मानसून वैसे भी ज़्यादा एक्टिव प्रदेश में देखने को तो नहीं मिल रहा था। कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बारिश इस दौरान जरूर हो रही थी। अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जरूर दिए गए थे, लेकिन उन अलर्टों के बावजूद भी प्रदेश में कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बारिश जरूर हुई है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी के कुछ एक क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और 24 और 25 अगस्त को 23 और 24 अगस्त को अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलेगी, यह भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। खूब राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, खेम ठाकुर जी, तो सबका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे। सोलन में तो पिछले 3-4 दिनों से मानसून ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, और कुछ एक जगहों पर इस दौरान हल्की हल्की बारिश हुई है। सोलन में तो इस बार वैसे भी मानसून सीजन में काफ़ी कम बारिश देखने को मिली है। 38% कम बारिश इस बार 1 जून से लेकर और 31 अगस्त तक सोलन में कम हुई है सामान्य से। जिस तरह का और पिछले वर्ष सामान्य से बहुत अधिक बारिश थी, इस बार सामान्य से काफ़ी कम बारिश हिमाचल प्रदेश में विशेषकर सोलन में देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि सोलन के आंकड़े अगस्त के महीने में बहुत बढ़िया है, अगस्त के महीने में भी सोलन में सामान्य से कम बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के 5-6 जिलों में अगस्त में भी कम बारिश हुई है, और हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर 21 अगस्त के बीच में सामान्य से करीब 22% कम बारिश हुई है। अब मौसम विभाग की माने तो आज से लेकर 3 दिनों तक मानसून हिमाचल प्रदेश में और कमज़ोर पड़ेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 6 जिलों में आज कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह की मौसम विभाग द्वारा संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन 23 और 24 अगस्त को अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलेगी, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन 25 से एक बार फिर मानसून हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा। और हीरा सिंह कौंडल जी हमारे साथ इस वक्त अर्की से जुड़े हैं साउथ से, तो उनका हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी आज रात को साफ, और लोकेंद्र जी सेब लेकर सोलन आ रहे हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और विनोद कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की यह तस्वीरें हैं, और सोलन में तो मानसून पहले ही कमज़ोर है, लेकिन इस बार मौसम विभाग की माने तो 3 दिनों तक मानसून और कमज़ोर सोलन में रहने की, सोलन नहीं पूरे प्रदेश में रहने की संभावना है। और आज बलबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं।
तो मौसम में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है कि बारिश तो वैसे ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन कुछ एक जगहों पर पिछले कल बारिश हुई तो थोड़ा नुकसान भी हुआ। इस तरह की स्थिति चली हुई है। 135 मकान अभी तक जमींदोज मानसून सीजन में हो चुके हैं, लोगों के मकान गिरे हैं, 200 से अधिक लोगों की जान भी गई है। इस काफ़ी जान माल का नुकसान प्रदेश में देखने को मिला है। आप लोगों का आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम प्रकाश जी पंडोल से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और रूपा हस्ता जी जुड़ गई हैं, दीपक ठाकुर जी जुड़ गए हैं, तो सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद जी।